गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, मैंने आपको अरुणा आसिफ अली सबक समझा दिया था, ठीक है बच्चों? अब आज उसके हम सवाल के जवाब देखेंगे और अच्छे अरुण अपने कॉपी में लिखेंगे। सवाल नंबर एक है, अरुणा जी कुर्सी पर खड़ी होकर कहाँ तकरीर कर रही थी? तो मैंने आपको समझाया था बच्चों कि वो एक कुर्सी पर खड़ी होकर, जैसे कि चांदनी चौक में बीच में एक जलसा हो रहा था, वहाँ वो खड़ी कुर्सी पर खड़ी होकर तकरीर कर रही थी। तो उसका जवाब आएगा बच्चों, अरुणा जी कुर्सी पर खड़ी होकर चांदनी चौक के एक जलसे में तकरीर कर रही थी, ठीक है? अब सवाल नंबर दो है कि वो कुर्सी से कूद कर भीड़ में क्यों गायब हो गई? बोलो बच्चों, मैंने आपको सबक में समझाया था कि वो कांग्रेस के काम में जुड़ी थी और अंग्रेजों के खिलाफ उसने क्या किया था, तहरीक की थी। तो सवाल नंबर दो का जवाब आएगा कि वो गिरफ्तार नहीं होना चाहती थी, इसलिए वो कुर्सी से कूदकर भीड़ में गायब हो गई। सवाल नंबर तीन, भारत रत्न किन ख्वातीन को दिया गया? बच्चों सबक में जो आखिर में बताया गया है कि तीन औरतें थी जो उन्हें तीन जो ख्वातीन का लकब दिया गया, उसमें आएगा एक इंदिरा गांधी, दूसरा था मदर टेरेसा और तीसरा था अरुणा आसिफ अली, ठीक है बच्चों? तो जवाब नंबर तीन में आएगा कि भारत रत्न इन तीन ख्वातीन को दिया गया, एक इंदिरा गांधी, दो मदर टेरेसा और तीन अरुणा आसिफ अली। सवाल नंबर चार है, अरुणा जी को हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक की हीरोइन क्यों कहा गया? इसका जवाब आएगा, अरुणा जी कांग्रेस की बड़ी लीडर, आजादी की तहरीक की बहादुर सिपाही, दिल्ली की मेयर भी बनी थी और कांग्रेस के काम में हमेशा जुड़ी रही, इसलिए अरुणा आसिफ अली को हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक की हीरोइन कहा गया, ठीक है बच्चों? तो ये जो सवाल के जवाब आते हैं वो आज हम अपनी कॉपी में लिखेंगे और उसके बाद का जो भी खाली जगह है वो मैं आपको कल लिखवाऊंगी।